हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पूरे यहां पे डिटेल से जो है सेशन चलाया जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम के आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी के साथ आपका प्री हो चाहे मेन्स हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, जैसे हॉस्टल मॉडल, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला वगैरह, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है जो क्वेश्चन को तैयार किया गया, सभी एग्ज़ाम को देखते हुए और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन सिलेबस में आपको जो हर एग्ज़ाम में जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है जी, इसका जो है चौथा पार्ट है। पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देखिए, इसके बाद चौथा पार्ट देखिए, आपको जो है ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा, ठीक है जी। सभी एग्जाम को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा है। 45 क्वेश्चन तक मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था थर्ड पार्ट में, तो चौथा पार्ट से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा जनजाति जो है कंप्लीट आपको कराया जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है मैं हिस्ट्री के कंप्लीट करा दूँगी। हिस्ट्री मतलब जो है आपका जो मॉडर्न, इसमें जो है आधुनिक, मध्य और आपका जो है एंशियंट, ये जो तीनों आपका जो प्राचीन काल इतिहास है, जो तीनों को मैं यहाँ पर जो है पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ा दूँ। कोई भी हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ना ही आपका जो भी सेशन चलाऊँगा पूरा डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है जी, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस सेशन को। तो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, पारधी जनजाति, कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति मुख्यतः किस पे निर्भर है, मतलब जीवन यापन के लिए किस चीज़ पे निर्भर है? जैसे हमारे जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ जो रोज़गार होना चाहिए, इसी तरह जो पारधी जनजाति है जो मुख्यतः किस पे निर्भर होती है, आखेट, देव पूजा, कृषि या काष्ठ शिल्प है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आखेट। आखेट मतलब एक तरह का शिकार करना होता है, ठीक है जी। तो पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है? तो आपका सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, इन जिलों में जो इसका निवास स्थान है, ठीक है जी। ये जनजाति अपने जीविकोपार्जन या जीवन यापन के लिए यहाँ पे जो है काले पक्षी को आखेट करती हैं, शिकार करती है, इसी पे जो है आपका जो है शिकार पे आधारित होती है इनके जीवन यापन करने के लिए, ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति, कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है सिंध, दक्कन, भुज या दनकरण्य क्षेत्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खास करके जो है दक्कन क्षेत्र में जो निवास करते हैं। दक्कन क्षेत्र में आपका जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन जिलों में जो है उरांव जनजाति निवास करती है। इनके युवा गुरु को जो यहाँ पे धूमकुरिया, ठीक है जी, इनके युवा गुरु को जो है धूमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं, ठीक है जी। इनके जो है मुख्य देवता है उसे सरना देवी बोलते हैं, ठीक है जी, सरना देवी बोलते हैं, ठीक है जी। और नित्य ये जो उरांव जनजाति, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी, तो उनके मुख्य देवता को सरना देवी बोलते हैं। इनके नित्य सरहुल नित्य बहुत फेमस नित्य है, ठीक है जी। सरहुल नित्य कई बार देखे होंगे पेपर में आप, तो सरहुल नित्य साथ ही साथ कर्म नित्य भी जो है इस नित्य को उरांव जनजाति में किया जाता है। इनकी जो प्रमुख बोली होती है यहाँ पे कुरुक बोली बोलते हैं, कौन सी बोली? कुरुक बोली का जो है इनको प्रयोग करते हैं। इनके गांव के जो प्रमुख होते हैं इसको मांझी बोलते हैं, और इनके जो प्रमुख पर्व है जैसे खट्टी, सरहुल, फाग, ये सभी जो पर्व है इनमें संबंधित है, ठीक। इनके जो पोशाक होती है इसको करिया पोशाक जैसे इन लोग जो है उपयोग करते हैं, और कर्म त्यौहार जैसे इन लोग मनाते हैं, इसी जनजाति द्वारा इसको मनाई जाते हैं कर्म त्यौहार, ठीक है जी। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो विशेषकर उरांव जनजाति इस सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है। ये आपको जो है प्री के साथ साथ मेन से भी यही क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है, तो उरांव जनजाति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक बार में आपको समझ नहीं आता है इसको 1.5 स्पीड मोड में जो है एक दो बार देखिए, मिनिमम जो है 15 से 16 मिनट की वीडियो रहता है, तो इसको मतलब जो है 1.5 जो डबल रिवाइज के साथ देखिएगा जी। एक बार में जैसे समझ नहीं आता है सेकंड टाइम देखें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब फैक्ट के साथ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उरांव जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। तो करिया जो है किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? अभी जस्ट बताऊँ आपको, मैं बताया कि जो एक उरांव जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो करिया जो एक तरह का पोशाक है, कौन सी जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? बैगा, मुड़िया, उरांव या हलबा जनजाति? तो अभी बताया हूँ ये जो है उरांव जनजाति की एक तरह का जो है पारंपरिक पोशाक है, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सर्वाधिक शिक्षित भी यही जनजाति है, ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन आपसे बताया गया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति के मुख्य निवास क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर में? तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है?
तो ये जो है खास करके बैगा जनजाति जो है मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत बिलासपुर, बिलासपुर हो गया, साथ ही साथ मुंगेली, राजनांदगांव, ठीक है जी, कवर्धा, मैकल सर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है इन लोग निवास करते हैं, तो बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति गौड़ों के जो है पुजारी होते हैं, पुरोहित के रूप में जो इन लोग कार्य करते हैं। उपजाति बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर जैसे जो इनके जो है उपजाति, ठीक है जी। महिलाओं के वस्त्र को जो है क्या बोलते हैं, कपची बोलते हैं, ठीक है जी। और कौन से पेय पदार्थ उपयोग करते हैं, तो ये लोग जो है ताड़ी जैसे पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन लोग एक तरफ केवलाल एक नाम का जो भाजी है, जो वृक्ष पत्ती को, ये जो है इन लोग भाजी के उपयोग प्रयोग करते हैं। इनके प्रमुख देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, बूढ़ा देव, याद रखिएगा, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव जो है साल वृक्ष में निवास करते हैं। इनके प्रमुख देवता है बैगा जनजाति में। अभी तक के हम जितने भी पढ़े हैं अलग अलग जनजाति को, उनके जो प्रमुख देवता सामाजिक महत्व होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो साल वृक्ष में इन लोग के जो देवता है बूढ़ा देव, इनके प्रमुख देवता है बैगा जनजाति के, जो निवास करते हैं आपके कौन से पेड़ में, साल वृक्ष में, ठीक है जी। इनके जो प्रमुख नृत्य है जैसे कर्मा, बिल्मा और शैला, इसमें कौन कौन से याद रखना है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। बिल्मा याद रखना है आपको, बिल्मा के साथ साथ आपका शैला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्मा, शैला और कर्मा, ये तीनों को याद रखिएगा। ये बैगा जनजाति के जो प्रमुख, बिल्मा शैला जो प्रमुख नृत्य है, गीत परघावनी और फाग गीत जैसे इसमें जो है प्रचलित है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है बैगा जनजाति है, झेला गोदना गोदवाती है। इनके ऊपर दो पुस्तक लिखी गई है, एक तो द बैगास वेरिया रेलवे द्वारा, अदर ट्राइबल इकोनॉमी दयान शंकर के द्वारा इसको लिखी गई है, ठीक है जी। तो जो है बी ऑप्शन बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनका जो है, धनका किस जनजाति के प्रमुख उपजाति है, धनका जो है किस जनजाति को प्रमुख उपजाति है, उरांव, कोरवा, भतरा या कमार जनजाति। तो अभी मैंने बताया इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो उरांव जनजाति, ठीक है जी। तो उरांव जनजाति की उपजाति है, मतलब ये जो जब पढ़ा रहे थे उरांव, तो धनका जो है उरांव जनजाति की उपजाति है, ठीक है जी। तो अलग अलग जनजाति को उनके अलग अलग उपजाति हैं, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा उपजाति आपके गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उरांव जनजाति, उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है, मतलब जो है कौन से क्षेत्र में जो है उरांव जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। रायगढ़, सरगुजा, जसपुर या बस्तर में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्षेत्र में जो है उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। तो मैंने बताया अभी जो है मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में जो है उरांव जनजाति निवास करते हैं, ठीक है जी। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, ठीक है, ये तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माड़िया जनजाति में, कौन सी जनजाति, माड़िया जनजाति में निम्नलिखित में मकान जो है कितनों भागों में विभक्त रहता है, चार भाग में, तीन भाग में, पांच भाग में या सात भाग में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में जो है खास करके जो है कौन से क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में जो मुख्यतः निवास करते हैं। इनके जो मकान को जो है वैडू कुर्मा, ठीक है जी, इनके मकान को जो है वैडू कुर्मा बोला जाता है। कौन से कृषि करते हैं, पेद्दा खेती करते हैं। कौन से पेय पदार्थ उपयोग करते हैं, सल्फी, सल्फी जैसे पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। बायसनहान नित्य, गौर नित्य, जो जनजाति के, इस जनजाति के लोग भैंस के जो है सिर के समान टोपी पहनकर नृत्य को करते हैं, यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो इन लोग जो है, इस प्रजाति के लोग जो है जंगल में जो एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसको सिहारी कहते हैं। और माड़िया जनजाति में जो मकान को कितनों भागों में विभक्त करके, मतलब जो है विभक्त रहते हैं, इसको जो है पाँच भागों में जो है इसको विभक्त करते हैं, ठीक है जी। इसमें जो है एक मृतक स्तंभ है, जो हलानगट्टा स्मृति स्तंभ का, जो मृतक स्तंभ का जो है स्थापित करने की जो है परंपरा है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द गौर वेरियल एल्विन के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज में ढोकू विवाह, ये ठोकू नहीं आपको ढोकू विवाह, तो ये जो प्रथा क्या है आदिवासी समाज में, अलग अलग जनजातियों में हम पढ़े हैं कई बार अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह प्रथा होती है। तो ढुकू प्रथा क्या है, तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना है, पुनर्विवाह है, बाल विवाह है, एक तरह का रखनी प्रथा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदिवासी समाज में जो है ढुकू प्रथा एक तरह का जो है एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, ये जो है आपका जो है ढुकू प्रथा कहलाती है, ठीक है जी। मतलब जो है जैसे पहले से शादीशुदा है तो एक पति को जो है छोड़ कर दूसरा पति जो रखते हैं, यही जो है ढुकू प्रथा है, ठीक है जी। तो आदिवासी में देखें, आदिवासी समाज में देखने को मिलती है। तो इसमें जो है ठोकू प्रथा एक तरह का आपका जो है
ढोंकू प्रथा है, ठीक है। ढोंकू प्रथा ये मतलब ढोंकू विवाह, ठीक है। ढोंकू विवाह कोरवा जनजाति में होता है, ये जो है एक तरह के इसको हठ विवाह कहते हैं, ठीक है। मतलब हठ करके जो है शादी करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकुरिया जो है किस जनजाति के युवागृह हैं? अभी बताया मैंने जो इसका किसकी जनजाति के युवागृह है करके, तो उराव जनजाति, मुरिया जनजाति, भोटिया जनजाति या कमार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। तो धूमकुरिया किस जनजाति का युवागृह है? तो उराव जनजाति का युवागृह है धूमकुरिया। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति कौन सी जनजाति? कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा जिला। तो कमार जनजाति के लोग जो है ये जो लोग हैं, ये जो कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में, इनको निवास स्थान कहाँ है, कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये खास करके रायपुर जिला के अंतर्गत कमार जनजाति निवास करती है। और ये जो है प्रमुख कार्य बाँस से संबंधित, बाँस शिल्प से संबंधित झाड़ू टुकनी वगैरह बनाने का काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति, ठीक है जी। और रायपुर संभाग क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति भी है, ठीक है। और इसी जनजाति में घोड़ा छूना वगैरह निषेध इसमें मानी जाती है, ठीक है जी। और घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग जो है इसी जनजाति में किया जाता है, कमार जनजाति। जिस फैमिली मेंबर होकर यहाँ पर जो है किसी का डेथ हो जो रहता है, तो ये जो है लोग जो है घर का त्याग कर दूसरे स्थान पे यहाँ पे घर बनाते हैं। तो इस जनजाति से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा है। पंचायत प्रधान को कुरहा बोलते हैं, पंचायत जो प्रधान होते हैं इसको कुरहा बोलते हैं, ठीक है जी। और जो है बुदरजिया बंदर मांस ये जो नहीं खाते हैं, मकाड़िया बंदर मांस खाते हैं, इस जनजाति में जो है प्रचलित है, ठीक है जी। तो कमार जनजाति दो वर्ग है, एक तो बुदरजिया, दूसरा आपका मकाड़िया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति, मुरिया जनजाति के लोक नाट्य का जो माओ पाटा का मुख्य प्रसंग होता है कृषि, शिकार, मत्स्य या वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरिया जनजाति का लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग क्या है? तो ये जो है शिकार से संबंधित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर कोंडागांव इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके युवा गुरु को घोटुल बोलता है, जिसे जिसका जो एक विशेष महत्व होता है। तो मुड़िया जनजाति के लोग जो स्थायी कृषि करते हैं, और जैसे पुष्कुलांग पुष्कलंग इसमें जो है ये जो नृत्य एक तरह का इसमें जो प्रचलित, इसमें जो है केवल पुरुष द्वारा ये लोग नृत्य करते हैं। पुष्कलंग जैसे पुष्कलंग नृत्य, ठीक है। साथ ही साथ मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, ये बालतुर नृत्य और पाटा जैसे शब्द जिसमें हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा जैसे इन नृत्य को जो है मुरिया जनजाति में किया जाता है। इस जनजाति की जो सांस्कृतिक रूप से एक जो है समृद्धशाली जनजाति कही जाती है। अब मुरिया जो है घोड़ों के एक उपजाति है, और इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है द मुरिया एंड देयर घोटुल करके, किसके द्वारा? वेरियर एल्विन के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के जो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे या कौन सी जनजाति के थे? इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस जो आपके छत्तीसगढ़ से मान्य धन है, जितने भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया, ठीक, आपके जो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है जी। आप जो है जैसे जनजाति ख़त्म होती है चैप्टर, आप जो है क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह जो है किस समुदाय के थे? धनवार जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति या बिंझवार जनजाति। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिंझवार जनजाति के थे। कौन से समुदाय के? वीर नारायण सिंह सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ के जो है वीर पुत्र हैं, सोना खान बलौदा बाजार के रहने वाले थे। शहीद वीर नारायण सिंह जो है इसी जाति के संबंधित थे, बिंझवार जनजाति के, बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र से निवास करते थे, ठीक है जी। और जो इन लोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है बिंझवार जनजाति के लोग निवास करते हैं, मतलब जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें जो है इस जनजाति में जो है तीर का एक अलग जो है महत्व, तो विशेष महत्व तीर विवाह और सामान्य विवाह इसमें जो है प्रचलित है, ठीक है जी। और ये जो विंध्यवासिनी देवी के जो है पूजा इन लोग करते हैं। साथ ही साथ 12 भाई बैठ कर करके जो प्रमुख देवता इनके जो लोग इन लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा जनजाति, कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य है भगोरिया, कर्मा, घाटी या गौर नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कोरबा जनजाति के लोग जो है खास करके कर्मा जैसे नृत्य इन लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है।
इस जनजाति मतलब जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति का कौन से युग्म सही नहीं है, मतलब एक तरफ आपका जनजाति दिया गया है, उस दूसरे तरफ आपका जो है उसकी प्रमुख उपजाति है, इसको यहाँ पे जो है मैच कर कौन सा सही नहीं है उसको यहाँ पे बताना। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में बैठे रहते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में जो है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, सही आंसर होते हुए क्वेश्चन हम गलत लगा के आप आके बैठते हैं, बाद में देखते हैं तो कौन सा हम गलत लगा चुके होते हैं। तो इसको देखिएगा, तो यहाँ पे गौड़ जनजाति उसकी उपजाति प्रधान है, बैगा का बिंझवार है, कंवर का अभुजमाड़िया है और उराव का जो है कुरु। तो यहाँ पे जो है उनकी जनजाति और उपजाति को यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो इसका जो है कंवर और अभुजमाड़िया जो आपका जो है सही नहीं है, बाकी जो गौड़ का प्रधान, बैगा का बिंझवार, उराव का कुरु, ये सभी जो है उपजाति है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 क्वेश्चन है। पाटो विवाह कौन से विवाह, पाटो विवाह जो है किस जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, कोरकू, गौड़, भैना या सौरा जनजाति, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाटो विवाह जो है कौन से जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, तो कोरकू जनजाति के द्वारा जो है पाटो विवाह किया जाता है। ठीक है जी, कोरकू जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इस जिलों में जो इन लोग निवास करते हैं। ठीक है जी, और इन जो इसका जो मतलब होता है जमीन खोदने वाला जो है कोरकू जनजाति की इसका अर्थ होता है, और जिसे प्रमुख नृत्य इसमें थापड़ी, ढांढल नृत्य आषाढ़ महीने में किया जाता है, ये प्रमुख नृत्य जो है कोरकू जनजाति में किया जाता है। ठीक है जी, इसकी उपजाति है बावरिया, बोपची, माक्सी, निहाल, बेंडिया, ऐसा करके यहाँ पर जो है इनकी उपजाति है। और पाटोविया यहाँ पर देख सकते हैं, पाटो विवाह जो है इसी जनजाति में किया जाता है, एक तरह का जो अलग अलग जनजातियों का अलग अलग विवाह होता है, इसी तरह जो है पाटो विवाह जो है एक तरह का पुनर्विवाह, ठीक है जी, पुनर्विवाह है पाटो विवाह, कोरकू जनजाति में किया जाता है। इनमें जो है विशेषकर जो है मृतक संस्कार में सीडोली प्रथा, याद रखिए सीडोली प्रथा एक तरह का मृतक संस्कार है, ये जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित है, जिसके मृतक जो जिसमें जो है मृतकों को दफनाया जाता है और यहाँ पर लकड़ी का जो है स्तंभ वहाँ पर गाड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है सीडोली प्रथा कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन है। बिंझवार का निवास क्षेत्र या बिंझवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, धमतरी जिला, कबीरधाम, कवर्धा में, बिलासपुर जिला या सरगुजा जिला, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिंझवार जनजाति का अभी बताया मैंने जो है, खास करके जो है यहाँ पे जो है बिलासपुर नहीं, ये जो है आपका बलौदा बाजार है। ठीक है जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बलौदा बाजार। तो बिंझवार जनजाति के जो निवास क्षेत्र यहाँ पे बलौदा बाजार सोनाकान क्षेत्र में जो है इन लोग निवास करते हैं। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए, और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। आपके पास चुनाव मतलब चुनाव तक आपके पास टाइम है, तो भरपूर यहाँ पे जो है मेहनत करते रहिए, यही वो साल है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर्म नहीं भरेंगे बहुत सारे एग्जाम का, तो फॉर्म भर सकते हैं, तो तैयारी लगे रखिएगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। एक पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है, निगेटिव सोचेंगे तो आपका जो है आपका ही नुकसान है, जो पॉजिटिव रहिए उसका अलग ही एनर्जी होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यही तक रखते हैं, थैंक यू।